हो जाती है और बहुत सारे बच्चों में फीवर भी हो जाता है, लेकिन हर बच्चे के साथ ये नहीं होता है, बहुत कम बच्चों में ये होता है। मेरे बच्चे के साथ ये सब नहीं होता है। एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बात करने वाली हूँ कि बेबी की जो टीथिंग का टाइम होता है, बेबीज के दांत निकलते टाइम के सिम्टम्स के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बनी रहिए जिससे कि आपको पूरी वीडियो समझ आ जाए। बेबीज में जो टीथिंग का टाइम होता है वो 6 मंथ के बाद ही होता है। जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद ही बेबीज में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं टीथिंग के, कि उनमें दांत निकलने के जो लक्षण पाए जाते हैं वो 6 मंथ के बाद ही दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें 4 मंथ के बाद भी टीथिंग होने लगती है, 4 मंथ में ही सिम्टम्स दिखने लगते हैं। कुछ बच्चों में 3 महीने के बाद भी ये सब होता है, लेकिन जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं उनमें 6 महीने से 1 साल तक दिखाई देते हैं। और कुछ बच्चों में तो 1 साल के बाद भी, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं शारीरिक रूप से, जिनमें कैल्शियम की कमी होती है, तो उन बच्चों में थोड़ा लेट इसके लक्षण दिखाई देते हैं और लेट उनके दांत निकलते हैं। तो इसी बारे में बात करेंगे कि जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उनको क्या क्या परेशानी होती है और क्या क्या सिम्टम्स उनके दिखाई देते हैं, कैसे पता चलता है कि बच्चों के दांत निकलने वाले हैं। अगर एक छोटा बच्चा रो रहा है, बेवजह परेशान हो रहा है, रो रहा है, हर चीज़ को अपने मुंह में डाल रहा है, कपड़ों को उठा उठा के अपने मुंह में डाल रहा है, चबा रहा है, तो हो सकता है बच्चे के नए दांत निकल रहे हो। दरअसल बच्चों के जब नए दांत निकलते हैं ये उनके लिए बहुत पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होता है। ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगते हैं बच्चे, काफ़ी रोते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। दांत निकलते टाइम शरीर में कुछ बदलाव भी आते हैं जिसके कारण बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझ पाते। जो नए पेरेंट्स होते हैं उनको नहीं समझ आता है कि बच्चा क्यों परेशान है, क्यों रो रहा है, और वो भी बेवजह परेशान होने लगते हैं। ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे को, अगर बच्चा बार बार रोता है, चिड़चिड़ापन करता है, चिड़चिड़ापन अगर बच्चे में आ जाता है तो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करें, उसे कोई नई नई चीज़ें दिखाएं और जो वो करना चाहता है उसे करने दें। तो साथ ही उसके मसूड़ों को भी चेक करते रहे, उसमें हल्की हल्की मालिश करते रहे जिससे कि दांत जल्दी निकले। इस टाइम पे होता है कि काफ़ी बच्चों को दस्त हो जाते हैं, ऐसे में लूज मोशन हो जाते हैं, और काफ़ी बच्चों को उल्टी भी आती है, और बहुत सारे बच्चों को सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है, और बहुत सारे बच्चों में फीवर भी हो जाता है। लेकिन हर बच्चे के साथ ये नहीं होता है, बहुत कम बच्चों में ये होता है। मेरे बच्चे के साथ ये सब नहीं हुआ था, मुझे पता भी नहीं चला था कि उसके दांत निकल चुके हैं। बस उसके जो सिम्टम्स मुझे दिखाई देते थे उसमें वो सिर्फ कपड़ों को चबाता था, बहुत ज़्यादा वो कपड़ों को चबाता था, या जो उसकी दूध की बॉटल थी उसे वो चबाता था, तो कोई भी चीज़ वो मुँह में लेके चबाने लगता था। इससे मुझे पता चला कि उसके टीथ निकलने वाले हैं, और अचानक से उसके टीथिंग हो चुकी थी और उसके दांत निकल गए, उसके बाद ही मुझे पता चला। लेकिन बहुत सारे बच्चों में होता है कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत पेनफुल होता है ये सब, और इससे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, उल्टी, दस्त, फीवर, ये सब होना आम बात हो जाती है इस टाइम पे बच्चों में, क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ ये सब भी होता है। और ये होता है बच्चे जब कमज़ोर होते हैं, जो बच्चे, उनके साथ ये ज़्यादा होता है। तो ऐसे में आप बच्चों का ध्यान रखिए, उन्हें अच्छा खाना पीना खिलाइए, और साथ ही साथ आप उन्हें घुट्टी का सेवन ज़रूर कराएं, उनके मसूड़ों में घुट्टी से हल्की हल्की मालिश भी ज़रूर करें जिससे कि बच्चों के दांत जल्दी निकल आए। अगर आपको भी अपने बच्चों में ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप लोग समझ जाइए कि आपके बच्चे की टीथिंग होने वाली है, तो उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखिए, उसे घुट्टी ज़रूर पिलाए, साथ ही साथ उसे अच्छा खाना खिलाए। और ऐसे में जब बच्चे के मसूड़े काफ़ी सख्त हो जाते हैं और दर्द होने लगता है तो वो चबाने वाली चीज़ें तो बिल्कुल नहीं खा सकता, और जब तक बच्चे के दांत नहीं होते हैं हम ऐसी चीज़ें उसे ज़्यादा देते भी नहीं हैं। तो उसे ऐसा खाना खिलाइए जो कि वो अच्छे से निगल सके और वो उसको आराम भी दे, पोषण भी दे। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी से भरपूर लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पे नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।